अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैफ फारूक है। मैं जनरल सर्जन हूँ। आँतों से अमराज के मुतालिक जो भी बीमारियाँ होती हैं उनको मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ पे आजकल आपको पता है कैंसर कितना आम हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी मोटी लगती हैं, जिनको हम लोग इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन अल्लाह ना करे बाद में आगे जाके एक बड़ा मौजी मर्ज़ बन जाता है और उसका फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, या बड़ा इलाज अल्लाह ना करे कैंसर वगैरह में तब्दील हो सकता है। हमारे यहाँ पे आजकल जो डाइट है, जो इन्वायरमेंट है, उस हवाले से हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर लेते हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास पखाने में खून आ रहा होता है, या पखाने के आसपास कोई सूजन हो रही होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है उनको लगता है पखाने के मुताबिक कि पखाना करते हो कोई चीज़ बाहर आ रही है, लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, इधर उधर की दवाइयाँ ले लें, मेडिकल स्टोर पर जाके ले लेते हैं, लेकिन वो फिर आगे चल के एक ख़तरनाक बीमारी की सूरत में सामने आ सकता है। तो यही कहना चाहूँगा लोगों से कि जब भी इस तरह का कोई मसाइल हो, कोई पखाने में खून आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि पखाने की जगह से कोई चीज़ बाहर आ रही है, या उनको वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं, जनरल सर्जन को दिखाएं, कंसल्टेंट को दिखाएं, इस चीज़ पे तवज्जो दें, इसको हल्का ना लें। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, आगे चल के ये कोई ख़तरनाक बीमारी में तब्दील हो जाए। दूसरी बात ये है कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल करें लेकिन कम करें। ये भी एक टिप देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमूमन लोग वेजिटेबल्स को, सब्ज़ियों को नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इंशाल्लाह आप इस तरह के आँतों के जो भी मसाइल हैं, अमराज हैं, या अल्लाह ना करे जो कैंसर हैं, उससे आप महफूज रह सकते हैं।